हेलो स्टूडेंट्स, मेन वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान देना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2022 की, आप चाहे मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से किसी में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से 8 मार्च को 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में और मैथमेटिक्स में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कॉन्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो डिटेल्स हैं कम्प्लीट, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। जाकर आप खुद को एनरोल कीजिए और इसका फायदा उठाइए। बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में अचीवर्स बैच शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी के, जिसमें कि आपको सारे क्विज, मॉक टेस्ट, आपको सैंपल पेपर्स, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप अनअकैडमी का प्लस मेंबरशिप लेते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो है चौक टॉक 10, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको रेगुलर जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इम्यूनिटी के बारे में। ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि अगर आप इसको एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप अगर पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करके आ सकते हैं अपने एग्जाम में। बात करेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं, इट इज़ अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी का प्रोटेक्शन शो करना, इसमें इस क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। ह्यूमन बॉडी का इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन शो करना इम्यूनिटी कहलाएगा। या फिर इट इज़ ट्रेडिशनली रेफर्ड टू रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई कि एक होस्ट बॉडी है, उसमें कोई एक फॉरेन एंटीजन आ गया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने कोई जो है एंटीबॉडी सीक्रेट की, तो वो इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो इतना डीप में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, कोई बात नहीं, आप ये वाला डेफिनेशन याद कर लीजिए, इट इज़ ए स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, इम्यूनिटी को हमने मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इननेट इम्यूनिटी और सेकंड वन है एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जो इननेट इम्यूनिटी है उसके जो टाइप्स हैं उन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? इनको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको एक वर्ड लिख लेना है अप्पी। जैसे बहुत सारे लोग अपनी सिस्टर को क्या बोलते हैं? अप्पी बोलते हैं, स्पेशली इन मुस्लिम्स, मुस्लिम कम्युनिटी अप्पी बोलते हैं वो अपनी सिस्टर को। तो अप्पी आपको यहाँ पर लिख लेना है, और ए फॉर एनाटॉमिक बैरियर, एनाटॉमिक बैरियर, मैं बैरियर को पूरा ना लिख के सिर्फ बी लिख देता हूँ। पी फॉर फिजियोलॉजिक बैरियर, फिजियोलॉजिक बैरियर, एंड अगेन पी फॉर फैगोसाइटिक बैरियर। अभी मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज़ के बारे में, लेकिन मैं अभी आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। तो फैगोसाइटिक बैरियर एंड आई फॉर इन्फ्लेमेटरी बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर। उसके बाद हमारे पास में है क्या? एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। फिर अगेन इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। तो बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो एडेप्टिव को 2 पार्ट हैं और दोनों के 2 सेम पार्ट ही हैं, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। कैसे याद करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है आपको। तो अभी देखिए आगे, तो हम इननेट इम्यूनिटी से शुरू करते हैं। इननेट इम्यूनिटी क्या है? इननेट इम्यूनिटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। मैं नॉन स्पेसिफिक से यहाँ पर क्या मतलब है, नॉन स्पेसिफिक से मतलब है कि ये जो इम्यूनिटी है ये किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। कोई माइक्रोब आएगा वो उसके लिए अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, कोई एंटीजन आएगा उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी ये मैं बताता हूँ आपको, तो अभी देखिएगा थोड़ा सा पहले। दिस इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या है? इननेट इम्यूनिटी है। उसके बाद मोस्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस इम्यूनिटी प्रेजेंट बिफोर ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के आने से पहले ही इस इम्यूनिटी के जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स हैं, जिनसे ये मिलकर बनी हुई है, वो सभी प्रेजेंट होते हैं, इन्फेक्शन के आने से पहले ही मौजूद रहेंगे। अब क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया था अप्पी,
ये बताया था मैंने आपको अप्पी, तो अप्पी में एनाटॉमिक बैरियर, फिजियोलॉजिक बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर, इन्फ्लेमेटरी बैरियर, ये सारे के सारे कंपोनेंट जितने भी हैं ये इन्फेक्शन के आने से पहले ही ह्यूमन बॉडी में मौजूद रहेंगे। कैसे रहेंगे, अब आपको ये पता चल जाएगा नॉन स्पेसिफिक क्यों है, सभी के अगेंस्ट कैसे वर्क कर पाती है ये। तो एनाटॉमिक बैरियर की अगर मैं बात करूँ, इसमें मतलब एनाटॉमिकल कॉम्पोनेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि स्किन, म्यूकस, टीयर्स, कंजक्टाइवा ऑफ आई। कंजक्टाइवा ऑफ आई का मतलब है जो आई का बाहर वाला पार्ट होता है, जो थोड़ा सा चिकना होता है, जिसमें लिक्विड सा होता है, उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो कंजक्टाइवा ऑफ आई एंड हेयर, मतलब कि ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, एनाटॉमिक कंपोनेंट्स, जो कि किसी भी चीज़ को डिफेंड करेंगे ह्यूमन बॉडी में एंटर करने से, चाहे वो किसी भी तरह का माइक्रोब हो, वायरस हो, या कोई भी एंटीजन हो, हर एक के अगेंस्ट जो है डिफेंस मैकेनिज्म शो करेंगे, क्योंकि स्किन सबको तो एंटर नहीं करने दे सकती बॉडी में। तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया, यानी कि किसी एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि सबके लिए डिफेंस शो करेगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है। तो जो पहला कंपोनेंट था एनाटॉमिक बैरियर, उसमें स्किन आ जाएगी, स्किन भी किसी एंटीजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। म्यूकस है, म्यूकस का मतलब है एक जो है बहुत लिक्विड सा होता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में पाया जाता है, जो कि माइक्रोब्स को अंदर एंटर नहीं करने देता। टीयर्स हैं, हमारी आंखों में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा तो टीयर्स आंसू आ जाएंगे और वो बह के बाहर निकल जाएगा। कंजक्टाइवा ऑफ आई है, अगेन ये भी उसको अंदर नहीं जाने देगा। और हेयर्स हैं, हेयर्स भी जैसे कि हमारी नोज में किसी कोई माइक्रोब्स अंदर जाना चाहते हैं, वो उनको वो जो हमारे हेयर्स पे ही ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद में सेकेंड है फिजियोलॉजिक बैरियर। फिजियोलॉजिक बैरियर में देखिए फिजियोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, या फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं एंट्री या इन्फेक्शन को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। जैसे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेम्परेचर को लेकर हमारे सेंसिटिव होते हैं, तो जब ह्यूमन बॉडी में कोई माइक्रोब्स जो हैं वो अटैक करते हैं, तो ह्यूमन में हमारे में क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेसिकली फीवर एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है बॉडी का, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। जैसे ही फीवर आएगा टेम्परेचर बढ़ेगा और बैक्टीरिया या माइक्रोब जो होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे ज़्यादा टेम्परेचर में। उसके बाद बैक्टीरिया या माइक्रोब या एंटीजन जो होते हैं पीएच सेंसिटिव भी होते हैं, जैसे ही पीएच कम होगा या ज़्यादा होगा वो मर जाएंगे। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कि लाइसोजाइम्स हैं आपका, उसके बाद में बहुत सारे ह्यूमन सेल्स में जो होते हैं ऐसे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मार देते हैं माइक्रोब्स को या एंटीजन्स को। उसके बाद इंटरफेरॉन्स भी हैं, केमिकल प्रोटीन्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं या मार देते हैं एंटीजन्स को, या डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फेगोसाइटिक बैरियर। फेगोसाइटिक का ये आपको मैं बताऊँ, इसका मतलब है खा जाना, बहुत सिंपल वर्ड्स में आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा। सेल इनगल्फिंग प्रोसेस, मतलब कि किसी दूसरे सेल को खा जाना। मान लीजिए ये एक जो है हमारा फेगोसाइटिक सेल है और यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई एंटीजन है जिसने हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये जो फेगोसाइटिक सेल है ये क्या करेगा, इसको खा जाएगा, धीरे धीरे इस तरह से कुछ करेगा, अपने अंदर इसको ले लेगा और फिर जो है कम्प्लीटली इसको एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, तो इसको अंदर खा जाएगा, फिर इसको मार देगा। तो ये हो गया फेगोसाइटिक बैरियर। इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजिस सेल्स और कुछ अदर इम्यून सेल्स भी होते हैं। अगर इम्यून सेल्स के बारे में आपको जानना है बहुत इजी ट्रिक में, जिसमें 7 से 10 इम्यून सेल्स के बारे में लगभग मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो इम्यून सिस्टम में, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले जाएं कि आपको कैसे लिखने हैं, कैसे याद करने हैं, तो आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं इम्यून सेल्स के ऊपर। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में देखिए क्या होगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब है जो हमारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो थोड़ी चौड़े हो जाते हैं, या इन्फ्लक्स ऑफ फेगोसाइट्स, इनका जल्दी जल्दी ये मूव कर सकते हैं, और एन इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी। नेक्स्ट वी हैव एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम और किस नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि ये हमारी बॉडी में बर्थ से पहले प्रेजेंट नहीं थी। जो इननेट इम्यूनिटी थी, इननेट इम्यूनिटी, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या, इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में,
बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होती है। ओके, क्योंकि जैसे कि स्किन है, म्यूकस है, या फिर आपका कोई और दूसरे जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो बर्थ के बाद हमारी बॉडी उनको एक्वायर करती है दूसरे कॉम्पोनेंट से। अब चाहे तो वो इन्फेक्शन से एक्वायर करे या वैक्सीन से एक्वायर करे, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसको एक्वायर करने के। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ कैपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग एंड सिलेक्टिवली एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक फॉरन माइक्रोब्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, इननेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया था कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है नेचर में। मतलब कि किसी एक एंटीजन माइक्रोब के अगेंस्ट स्पेसिफिकली वर्क करती है, ये सबके अगेंस्ट वर्क नहीं करेगी। तो मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एचआईवी का वायरस आ गया तो ये उसी के अगेंस्ट वर्क करेगी, या मान लीजिए कोई कैंसर का कोई बैक्टीरिया वायरस है जो कैंसर कोज करता है, स्पेशली उसी के अगेंस्ट वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि सभी के अगेंस्ट वर्क करेगी। तो इसका थोड़े से इसके बारे में डिटेल में चलते हैं। इसकी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होती है, ये स्पेसिफिक वाला कॉम्पोनेंट जो मैंने बताया ये इसका यही मतलब है। मतलब कि कैसा, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी शो करती है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी शो करती है, मतलब कि मिलियंस ऑफ टाइप्स के जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन हर एक एंटीबॉडी जो है हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होंगी। मतलब कि एक ये एंटीबॉडी है, ये किससे बाइंड करेगी, कौन से एंटीजन से बाइंड करेगी, ये इसका तय है, किसी दूसरे एंटीजन से बाइंड नहीं कर सकती। उसके बाद इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, इसका मतलब है कि मान लीजिए एक बार कोई इन्फेक्शन हो गया ह्यूमन बॉडी में, उसके अगेंस्ट जो थी एंटीबॉडी बन गई, उसके बाद कभी दोबारा से ह्यूमन बॉडी में वो इन्फेक्शन आया तो इसको इस इन्फेक्शन का याद रहेगा, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी ह्यूमन बॉडी में और ये इसको क्या कर देगी, किल कर देगी। तो ये इसको याद रख लेती है, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। उसके बाद है सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर इसने कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है या कोई दूसरा एंटीजन आ गया है या इसी ने कोई कॉम्पोनेंट प्रोड्यूस किया है, तो ये अपने प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में जो है ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकती है, उसको याद रख सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसके टाइप्स, यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम्स में थोड़ी सी आसानी हो जाए। टाइप्स की मैं अगर बात करूँ तो इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो जो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल है, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। कन्फ्यूज मत होना, बहुत सिंपल बताता हूँ। मान अब इधर ये वाला पार्ट छोड़ दो, भूल जाओ, अभी बात करते हैं हम नेचुरल एडेप्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें दो पार्ट हैं, एक्टिव और पैसिव। तो सबसे पहला जो है, देखिए आप इसमें कन्फ्यूज और कैसे भी नहीं होंगे, मैं बताता हूँ आपको। इनके जो एग्जाम्पल हैं आप वो याद कर लीजिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल में इनके एग्जाम्पल नंबर 1 इन्फेक्शन, नंबर 2 मैटरनल एंटीबॉडी, नंबर 3 वैक्सीनेशन और नंबर 4 एंटीबॉडी थेरेपी या इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। नेचुरल में एक्टिव के अंदर क्या, इसका क्या मतलब है एक्टिव से, मतलब है ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी हुई और उसके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, तो वहाँ से जो नेचुरली ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई हैं, इस तरह के मेथड को, इस तरह की ये एंटीबॉडी एक्वायर, इस तरह की इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी एक्वायर करने को हम बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेचुरल एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो पहला है इन्फेक्शन जो कि नेचुरली हुआ और नेचुरली ह्यूमन बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाई। उसके बाद सेकंड है पैसिव, तो नेचुरल पैसिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में मतलब है कि नेचुरली तो है वो, लेकिन हमारी बॉडी ने खुद नहीं बनाई है वो कहाँ से आई है, हमारी मदर की बॉडी से आई है। मदर की बॉडी से कब आएगी, जब बच्चा छोटा होता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर क्या होता है, जो माँ का दूध होता है उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में एक एंटीबॉडी होती है IgA। तो ये IgA होती है, ये मदर से जो है अपने बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है, मदर टू बेबी में ट्रांसफ़र हो जाती है और ये इम्यूनिटी अगेंस्ट बहुत सारी डिजीज़ के, एलर्जिक डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट जो है रेस्पॉन्स शो करती है। तो ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी ही है, लेकिन मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो गई है, तो ये भी एक्वायर्ड टाइप की है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप पैसिव में। उसके बाद है आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल में अगेन एक्टिव है, एक्टिव में क्या रहेगा हमारा वैक्सीनाइजेशन, जो वैक्सीन लगते हैं हमें, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन चल रहा है COVID-19 का, या फिर पोलियो का है, हेपेटाइटिस का है, बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो कि हमारे इसी में आएंगे, सारे किस कैटेगरी में आएंगे, एक्टिव आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि इन वैक्सीन्स को हमने आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया होता है। उसके बाद पैसिव है, पैसिव में, पैसिव आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या रहेगा, एंटीबॉडी थेरेपी। यहाँ तो हमने क्या किया था, हमने वैक्सीन दे दी थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी थेरेपी दी जाती है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ एंटीबॉडी थेरेपी का, अभी जो COVID-19 चल रहा था दिल्ली के अंदर, आपने सुना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली इसका नाम था कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। कोवलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड पेशेंट्स को दी गई थी, उन लोगों में से प्लाज्मा लिया गया था जो COVID-19 के इन्फेक्शन से ठीक हो गए थे, और ठीक होने के बाद जो इन्फेक्टेड लोग थे ये प्लाज्मा उन लोगों में चढ़ा दिया गया था। तो इस तरह की थेरेपी को बोलते हैं एंटीबॉडी थेरेपी या फिर इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी। सो ये था हमारा एंटीबॉडी इम्यूनिटी, सब कुछ इनके बारे में। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर देना, आपका पूरा एक टॉपिक तैयार हो गया है। इस वीडियो पे जो लाइक्स का टारगेट है वो है 5000, देखते हैं आ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बकवास जो वीडियोस होते हैं उन पे तो लाखों लाइक्स आ जाते हैं। 5000 का सिर्फ लाइक है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के लेक्चर वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।